मालूम जान दे रिजवान पहलवान के वर्सेस क्या मालूम औरंगाबाद का बहुत कड़क है औरंगाबाद वर्सेस रिजवान बहुत शानदार कुश्ती है भैया ये बहुत काटा कुश्ती है ये लड़के को मैंने देखा है ये हरी जांग वाला लड़का बहुत तूफानी बच्चा है ये कुश्ती भी देखने वाली है भाई बहुत ही आलिशान और शानदार कुश्ती देखने वाली कुश्ती होगी हाँ बेटा तेरा नाम है ना बहुत शानदार कुश्ती आपके सामने ये सांप और नेवले की कुश्ती होगी देखना भाई बहुत शानदार शाबाश शाबाश भाई बहुत अच्छी कुश्ती लाल लंगोटे में रिजवान पहलवान हाजी बल पहलवान अखाड़ा भुसावल और हरी लंगोटे में औरंगाबाद का लड़का है जो बहुत तेज कुश्ती करता है भाई शाबाश इसे कहते हैं कुश्ती अंदर लो क्या बात है ये कुश्ती चले दूसरी कॉर्नर है जो बुलाओ जल्दी से कोशिश करो चलो शादा पहलवान हाजी इकबाल पहलवान अखाड़ा भुसावल और उनके मुकाबला करेंगे देवास के पहलवान शादा पलाल परबकार शादा पलाल तुम्हारा थोड़ी देर आ चुका है भाई तुम जल्दी से आओ शाम का टाइम है वक्त अभी हो चुका है कुश्ती का ये हमारे दोस्त पठान साहब है उज्जैन के उनका लड़का ये समरत लाला जिसकी कुश्ती है शादाब से शादाब की कुश्ती के अंदर सब रेफरी नीचे आएंगे और सिर्फ निहाल दादा उसकी निहाल के पीछे पड़ गए हाँ निहाल दादा आप अखाड़े में जाओ दादा आप जाओ हमें हर रेफरी पर पूरा भरोसा है भाई जिगरा इस काबिले रेफरी है जितने भी रेफरी है सब काबिले रेफरी है नामचीन रेफरी है भाई साहब अब निहाल दादा शादाब की कुश्ती पर रेफरी शिप करेंगे शादा पड़ा आप ऊपर जाओ आखिर में जाओ शादा पड़ा सैफ अली पंजाबी पहला मुकाम सैफ अली पंजाबी आप जल्दी से लगभग जाए बांधकर जंगल में आए देखो भाई मैंने बहुत सी जगह देखा हूँ मैं पूरे इंडिया में जंगलों में घूमता हूँ अपने बच्चों से कुश्ती अक्सर लोग अपने से 19 वाले या कम वाले लड़कों से लगाते हैं यहाँ पे फिलहाल हाजी इकबाल पहलवान अखाड़े के बच्चे की कुश्ती जिस बच्चे से शुरू है मेडलिस्ट बच्चा है और अपनों से तगड़े बच्चों से कुश्तियाँ देखने को अगर मिलती है तो भुसावल के इसी दंगल में मिलती है अभी आप देखेंगे कि जो लड़का एरिना के अंदर खड़ा है ये लाला ये जो बच्चा है इसको लाला बोलते हैं पठान साहब का लड़का है उज्जैन का बहुत ही शानदार छोकरा है और इसकी कुश्ती शादाब से ये शादाब से कोई बोल नहीं सकता कम है ये शादाब से 20 लड़का है इसी तरह जो कुश्तियाँ हो रही है ना भाई ये दोनों कुश्तियों के अंदर जो हमारा अखाड़ा है आज इकबाल पहलवान अखाड़ा है इसके बच्चों से तगड़े बच्चों से ही कुश्तियाँ करवाते हैं तो भाई कुश्ती इसीलिए जिंदा है और भुसावल में खास तौर से आज इकबाल पहलवान अखाड़ा ने जो कुश्ती को जिंदा रखा है इसकी एक बेहतरीन मिसाल है जो आपके सामने कुश्तियाँ चल रही है टेक्निक से भरी पावर टेक्निक सब इन पहलवानों में नायब पहलवान ने जो अभी कॉमेंट्री की है उससे मैं पूरा सहमत हूँ बहुत बढ़िया इन्होंने जो बातें बताई है कुश्ती बारे में और हाजी इकबाल दादा के बारे में बताई है कि आज जो कुश्ती जो जीते है सिर्फ पूजा भुसावल तालुके भुसावल अखाड़े में जो जीते है इसका नाम पूरे महाराष्ट्र में रोशन हो रहा है और यहाँ पर जो भी कुश्ती होती है काटा कुश्ती होती है एकदम काटा कुश्ती होती है आपका हमेशा गालियां बजा भाई नायब दादा के नाम से एक बार नायब दादा की बातें बहुत दिल को छू गई बातें सब रियल बातें बताई उन्होंने शुक्रिया जजाकल्ला शकील मामूलियान आपके जो आपने इज्जतों से नवाजा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हमारे रईस भाई ने इससे पहले जो कुश्तियाँ हुई थी तो उनके बच्चे के अनस की कुश्ती जिस बच्चे से कुश्ती हुई थी वरन गाँव के वो बच्चा अनस से काफ़ी तगड़ा था लेकिन अनस ने उसको हराया था वो टेक्निकल मेडलिस्ट बच्चा था तो ये जिगर का ही काम है और इसी वजह से पहलवानी आगे बढ़ती है एकदम सही बात कहे दादा आपने मानजी एकदम सही बात बोले आपने इसको लगती है हिम्मत और आज जो भुसावल के लिए जिस बच्चे ने उम्मीदें जगाई है वो भी हाजी इकबाल पहलवान अखाड़ा और रईस पहलवान का लड़का छोटू पहलवान 110 केजी वेट कैटेगरी के अंदर में महाराष्ट्र स्टेट के लिए लगना कोई मामूली बात नहीं है भाई नासिक डिवीजन से बच्चा निकलना बहुत मुश्किल है 110 किलोग्राम के अंदर और अबूजर छोटू पहलवान ने जो
भुसावल शहर के लिए कुश्ती क्षेत्र के अंदर जो उम्मीदें जगाई है उससे हम काफी खुश हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और भविष्य के लिए उसके लिए बहुत दुआएं करते हैं कि इंशाल्लाह ये बच्चा एक दिन बड़ा पहलवान बनेगा और महाराष्ट्र कुश्ती को पार्टिसिपेट करेगा इंशाल्लाह भारत कुश्ती और महाराष्ट्र कुश्ती की जो महाराष्ट्र कुश्ती जो स्पर्धा है हिंदुस्तान में इससे बड़ी कोई स्पर्धा कोई भी टूर्नामेंट नहीं है और हमारा टारगेट यही है कि इंशाल्लाह आने वाले 4 साल के अंदर अबू जरूर को छोटू पहलवान महाराष्ट्र केसरी खेले और इंशाल्लाह महाराष्ट्र केसरी बने तो और अभी जो अबू जरूर स्टेट में फाइनल कुश्ती मारना स्वर्ण पदक हासिल किया है अभी इंशाल्लाह जो नेशनल में भी फाइनल मारेगा उसको मारने है इसमें कोई शक नहीं इंशाल्लाह कोई बात नहीं शक नहीं इसमें पर हमारे नया भांजे की जो बात है वो एक इंशाल्लाह जरूर सच होने वाली है वो एक उभरना सितारा है और वो महाराष्ट्र केसरी का भारत केसरी बनेगा एक बार अल्लाह हमारे छोटू पहलवान के लिए और रही जाते जोरदार ताले बजाओ भाई सब दम बजाओ भाई ताले बजाओ जोर से ताले बजाओ जोरदार रिजवान है बर्फी मारता है तो मेरे हाजी साहब बता रहे इन्होंने 500 रुपए का ऐलान डिक्लेयर किया है रिजवान अगर मारता है तो 500 रुपए डिक्लेयर किया है हाजी साहब अबू जरूर को छोटू की कुश्ती नासिक में भी डिवीजन के अंदर उस लड़के को अगर वो कुश्ती देखा जाए तो बहुत ही तगड़ा अपनों से हैवी और सीनियर बच्चे भी उसने आ रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं और इंशाल्लाह हमने तो पहले से बोला भी और अल्लाह से दुआ भी की है कि इंशाल्लाह हमारी नज़र धोखा नहीं खाएगी वो बच्चा एक दिन बहुत तगड़ा पहलवान बनेगा इसके आगे का हाल अब रईस भाई बोलेंगे ये लो रईस भाई से टाइमिंग दे दो सर कुश्ती का टाइमिंग दो चलो 5 मिनट का टाइम है चलो 5 मिनट का टाइम है बहुत देर हो गया टाइम है चलो दूसरे कुश्ती करवाना है चलो फटाफट साहेब पंजी पहलवान साहेब पंजाबी पहलवान लंगोर जान बांध के दंगल में जल्दी भेजो चलो और किरण पहलवान दोनों जल्दी जल्दी आओ लंगोर जान बांध के और कल की करण पहलवान कल की दंगल की तैयारी भी करना है चलो 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 कुश्ती का फैसला आखिरी फैसला रहेगा रेफरी का फैसला रहेगा देखो भाई सेफ पहले पंजाबी शाकिर नूर और प्रमोद काले दोनों लंगड़जान बांध के 10 मिनट में हाजिर हो जाए करण पहलवान आया क्या चले चले कितना टाइम है उसका टाइम दो 3 मिनट चलो फटाफट टाइम दो इतनी देर से डाउ नहीं करेंगे ना आप 3 मिनट में कितना डाउ करेंगे चल बजा रहे भैया चल चालू रख बजा जा रहा जोर से हो गया जानो निकाल मार के डाउट जीतता है तो हाजी पत्रों सबसे 1000 रुपया भाई देखो दोनों पत्रों को बहुत बड़ी खुशखबरी है बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला आपको बहुत शौकदार बैठे दूर दूर से लोग आए तुम्हारे कुछ चले, चले, दोनों का नाम है जिसके उसके एरिया में दोनों शेर है ये अब दोनों शेर में से कौन जीतता है 1 मिनट को देखना है हमको बस किसका डाउट किसको हारी करता है और 1000 रुपया हमसे ले जाना है बराबरी करो चलो